प्रिवेंटेबल कैंसर है, मतलब 100% इससे बचा जा सकता है। बाकी कैंसर में ऐसा नहीं है, कब हो जाए, कहाँ हो जाए, किसी को नहीं पता है ना। लेकिन ये जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये एकमात्र ऐसा कैंसर है जिससे 100% हम बच सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, दो काम करना है, ठीक है। पहला क्या करना है, जैसे हम लोग को कोरोना आया, कोविड का टाइम था, तो कोरोना कोविड पता चला कि कोरोना वायरस से होता है ना, बहुत लोग मरे। इसके बाद कोरोना का वैक्सीन आया है ना, कौन ऐसा है जो वैक्सीन नहीं लिया, पूरे भारत में सबने लिया। तो वैक्सीन में क्या कहा गया कि कोरोना नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हल्का होगा, ऐसा कि किसी की मौत नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, है ना। उसी तरह से ये सर्वाइकल कैंसर का भी अब बहुत इफेक्टिव, बहुत सिंपल एक वैक्सीन आ गया है, टीका, समझिए। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको टीका दिया जाता है, टीबी का, टेटनस का, सब दिया जाता है, उसी तरह से ये कैंसर सर्विक्स के लिए भी अब एक मार्केट में एक टीका आ गया है, जिसको HPV वैक्सीन बोलते हैं। यह हर सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है ना। और इसका एज ग्रुप जो है वो डिलीवरी के टाइम नहीं होता है, इसका एज ग्रुप 9 साल से ऊपर की जो लड़की है, 9 साल के ऊपर की, ठीक है। 9 साल से 15 साल सबसे ज्यादा इफेक्टिव एज है। जितना अर्ली, जितना हम 9 साल के बाद जितना अर्ली देंगे, उतना ज्यादा इसका इफेक्टिव रहेगा ये कैंसर सर्विक्स को रोकने के लिए, है ना। किसी भी एज में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब 9 से 15 साल की करोगे तो नहीं दे सकते, किसी भी एज में दे सकते हैं, ठीक है। 20 साल से कम उम्र है तो एक डोज, 20 साल से ऊपर है तो 2 डोज, 6 महीना के अंतराल, बात समझ गए। और ये जो HPV वैक्सीन है, ये सिर्फ कैंसर सर्विक्स से हमको नहीं रोक रही है, ये और अदर कैंसर है, बल्बल, वजाइनल और मुंह का कैंसर और बहुत तरह के कैंसर से हम लोग को बचाती है, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ महिला के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो HPV वायरस है जिससे ये कैंसर हो रहा है, ये पुरुषों में भी कैंसर कॉज करता है ना, जेनिटल कैंसर, ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर। तो ये लड़कों के लिए भी है कि 9 साल से ऊपर जो लड़का है उसको भी वैक्सीन लेना है, ठीक है। तो उसके भी जो कैंसर है, मेल्स में जो कैंसर होते हैं, वो उससे आज मेनली हम कैंसर सर्विक्स जो हुआ, जो जैसे नॉर्मल हुआ उसके बाद ये कैंसर सर्विक्स, उसके बीच का एक स्टेज होता है जिसको प्री कैंसरस लीजन कहते हैं, आज हम मेनली उसकी बात करेंगे। कैंसर हो गया, उसका क्या सिम्टम होता है वो कल बात की होगी मैडम, आज हम बात करेंगे प्री कैंसर, कैंसर के पहले का स्टेज, जिसको अगर हम पकड़ ले, अगर हमको पता चल गया तो उसका इजी सिंपल ट्रीटमेंट है ना। और अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो आगे कैंसर, मेन कैंसर सर्विक्स उसमें नहीं चेंज करेगा, है ना, हमारी लाइफ बच सकती है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है कि एक तो वैक्सीन लेना है, जिससे हम लोग को HPV वैक्सीन, HPV से इन्फेक्शन नहीं होगा वायरस से, और वायरस से फिर हम लोग को कैंसर नहीं होगा, है ना। और दूसरा काम ये करना है कि जो अब HPV वायरस जो है वो बहुत कॉमनली हर इंसान को कभी ना कभी उसके लाइफ में HPV का इन्फेक्शन होता है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम HPV, कोई मैरिड नहीं है तो हम HPV से एक्सपोज नहीं है, है ना, सबको HPV एक्सपोजर होता है। इसलिए क्या करना है कि जो लोग एक्सपोज वैक्सीन नहीं लिए हैं, अभी आम जनता इसमें किसी ने नहीं लिया होगा वैक्सीन, है ना, तो उसको क्या करना है कि हम लोग एट द मोस्ट कर सकते हैं कि जो कैंसर होने से पहले वाले स्टेज में उसको डिटेक्ट करें। और वो कैसे होगा, आप लोग को डॉक्टर के पास जाना है, है ना। और एक सिंपल तरीका, सिंपल एकदम 1 मिनट का तरीका है, सिंपल, मरीज को पता भी नहीं चलता है, एक जांच होता है, है ना, और उसका 1 हफ्ते के अंदर में उसका रिपोर्ट आता है, उससे पता चल जाता है कि कैंसर के प्री कैंसरस लीजन है कि नहीं, कैंसर के पहले वाला स्टेज है कि नहीं। मरीज को कोई सिम्टम नहीं होगा, ऐसा नहीं कि मरीज को ब्लीडिंग होगा, और तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक तो मेन कैंसर हो गया, है ना। तो जो प्री कैंसरस जो स्टेज है, जिसमें कैंसर अभी हुआ नहीं है, हो सकता है आगे, उसमें कोई सिम्टम नहीं मरीज को होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मरीज को इसी बात के लिए जागरूक करना है कि तुमको डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर को कहना है कि मुझे चेकअप कीजिए, ऐसा तो नहीं कि कैंसर सर्विक्स हमको डेवलप कर रहा है ना। इसका सरकारी हॉस्पिटल में, आज से यहाँ इस हॉस्पिटल में इसका ये टेस्ट स्टार्ट हो गया है,
आज से जिसको करवाना है अपना करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। वैक्सीनेशन भी बहुत जल्दी इस हॉस्पिटल में आ जाएगा, ठीक है। और ये इसको स्क्रीनिंग करवा लेना है। स्क्रीनिंग करवाने से अगर अगर उसमें किसी का लीजन आ गया कि हाँ इसको प्री कैंसरस लीजन है, उसका बहुत सिंपल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बिना सर्जरी के, बिना काट छाट के, बिना कोई कीमो, बिना रेडिएशन के ट्रीटमेंट है। तो इट इज बेटर, ये अच्छा है कि हम लोग उसको जल्दी पकड़ें और उसका इजीली उसका ट्रीटमेंट करें, राधा दान की वो डेवलप कर जाए प्रॉपर कैंसर में और फिर हमको उसका ट्रीटमेंट में डिफिकल्ट हो, है ना, उसका सर्जरी करें, कीमो करें, रेडियो करें, ठीक है। और ये जो एचपीवी वैक्सीन है इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हम दे दें कि एचपीवी वैक्सीन सबसे पहले तो 9 साल के छोटे बच्चे को नहीं देना है, 9 साल के ऊपर बच्चे को लेना है, ठीक है। लड़का लड़की दोनों ले सकते हैं, है ना, किसी भी एज की महिला वो ले सकती है एचपीवी वैक्सीन। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो ये वैक्सीन नहीं लेगी, ठीक है। 20 साल से कम उम्र में 1 डोज, 20 साल के ऊपर 2 डोज, 6 महीना के अंतराल, ठीक है। अगर बच्चा, अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चे के लिए सेफ है, ये वैक्सीन हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ उसकी इम्यूनिटी कम रहती है महिला की, है ना, इसलिए डिलीवरी के बाद माँ को जरूर एचपीवी वैक्सीनेशन देना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर 2 वैक्सीन लिए उसके बीच में प्रेगनेंसी हो गया तब क्या करें, तो पहला वैक्सीन तो ले चुके हैं, दूसरा प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद लेनी है, ठीक है। अगर कुछ कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, कुछ ऐसा चीज हो गया जिसमें हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये जो 2 डोज है इसको 3 साल के अंदर इसको फिनिश कर, रिपीट नहीं करना है। 1 डोज ले लिए, उसके बाद जब टाइम मिल रहा है तब हमको ये डोज ले लेना है। डोज शुड नॉट बी रिपीटेड, उसको रिपीट नहीं करना है ना। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि अगर हमने दोनों डोज ले लिया है अपना, तो क्या हमको फिर भी स्क्रीनिंग कराना है, फिर डॉक्टर के पास जाना है चेकअप कराने के लिए? यस, जाना है। क्यों? क्योंकि आज हम वैक्सीन ले रहे हैं तो आज आगे वाले डेली हम लोग एचपीवी वायरस से एक्सपोज हैं, डेली, है ना। एचपीवी जो वायरस वो एक तरह का नहीं है, 15 तरीके का है। तो आज अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं तो फ्यूचर में आने वाले एचपीवी से तो हम बच जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो एचपीवी इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करना है हमको, और उसके लिए ये स्क्रीनिंग है। तो उसके लिए ये स्क्रीनिंग करना है और डिटेक्ट करना है, और प्री कैंसरस लीजन स्टेट में ही उसको डिटेक्ट कर लेना है, ठीक है। और क्या, और कुछ क्वेश्चन अगर मैं पूछे, यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये स्क्रीनिंग तो आज से शुरू हो गया है, पैप टेस्ट जो जिस महिला को कराना है करा सकते हैं, उसमें नंबर 24 में, ठीक है। और बस ये बात याद रखना है कि ये 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है, इससे 100% बचा जा सकता है। हम लोग को कोशिश करना है, वैक्सीन दिलवाना है और अपना जांच करवाना है, वैक्सीन कराना है और अपना जांच करना है। 2 मिनट का जांच है, कुछ नहीं, यहाँ तो फ्री है, हर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री है। हमने खुद वैक्सीन लिया हुआ है, हमने अपनी बेटी मेरी 10 साल की उसको वैक्सीन लिया है, इसलिए आप लोग भी लीजिए, अपने बच्चे को दिलाइए, अपने आस पड़ोस में जितने लोग हैं उनको दिलाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।